हे गाइस, मोहित यर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल और टाइटल को देखते हुए आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो के बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ छुपी हुई है जो बहुत ही कम उपाय में अभी तक हुई है, तो आपको वो पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना होगा। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं। अपने खेत में पानी लगा चुका हूँ और पानी होने में टाइम है, तो उससे पहले मुझे अपने खेत के सारे काम करने होंगे। रुपाई करने से पहले सबसे पहले मुझे अपने खेत को तैयार करना होगा रुपाई के लिए, जो मैं अभी करने वाला हूँ। खेत को रुपाई के लिए तैयार करने के बाद मुझे अब दूसरा काम मिल चुका है, तो मुझे घर जाना होगा। तो सबसे पहले मुझे घर जाके मुझे बैल लाने में, जिनसे मैं अपने खेत में हल लगाऊंगा। तो मतलब बैल के बिना खेत में रुपाई इम्पॉसिबल है, तो मैं घर की ओर चलता हूँ। तो घर से आने के बाद खेत में हल लगाने के लिए तैयारी हो चुकी है, तो हम खेत में हल लगाने वाले हैं। हमारे तीन खेत रुपाई के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा सबसे बड़ा खेत, चौथा नंबर का खेत, उसमें जाने की तैयारी चल रही है। तो उससे पहले हमको भूख लग चुकी है, तो खाना भी खाना है यार। दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो सबसे पहले ये देख सकते हो आप, ये रेसिपी चालू है यहाँ पे आटे का हलवा बनाने की। तो अभी तो ये गुड़ है इसमें पतीले में, तो अभी हमको इसमें आटा ऐड करना होगा। तो हम इसमें आटा ऐड कर चुके हैं और इसको अच्छी तरह से घुमाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, जिससे इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये हमने इसमें घी ऐड कर चुके हैं, हमारे दोनों भाई लोग हैं, इसमें घी ऐड कर लें। तो उससे पहले जो ऊपर के खेत थे वो भी रुपाई के लिए तैयार हो चुके हैं, हमने मतलब उसको रोक लिया है। तो खेत में जाने से पहले अब हम खाने खाने के लिए जा रहे हैं। तो खाना खाने से पहले ये हमने अलग रख चुके हैं, मतलब भगवान जी के लिए ये रख चुके हैं। तो आज आप देख सकते हो हमने किस चीज़ में खाना खाया। तो ये देख रहे आप ग्रीन ग्रीन जो केले के पत्ते हैं, तो ये इजीली हमको यहाँ अवेलेबल हो गए थे, तो इसलिए हमने घर से बर्तन नहीं लाए खाने के लिए, तो हमने इसी में खाना खाया। तो मतलब इसमें इतना टेस्टी होता है खाना कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएं। खाने के बाद हम चौथे खेत में चले गए थे हल लगाने के लिए। अब यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ब्लॉग एंड होने से पहले आप सब देख लो यार कि रुपाई हो चुकी है पूरे खेत की।